ब्रेकअप के बाद इलियाना को थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा। रिश्ते पर तोड़ी पहली बार चुप्पी। इलियाना डीक्रूज ने अपनी अपकमिंग मूवी पागलपंती के प्रमोशन के दौरान कई राज खोले। इलियाना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह ब्रेकअप के बाद सबसे पहले थेरेपिस्ट के पास गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डीक्रूज अभी अपने अपकमिंग ड्रामा पागलपंती के प्रमोशन में बिजी हैं। ये मल्टी स्टार फिल्म है, इसमें उनके साथ जॉन अब्राहम, अर्शद वापसी, पुलकित सम्राट, अनिल कपूर, कृतिक खरबंदा, उर्वशी रौतेला और सौरभ शुक्ला हैं। सभी स्टार्स फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। प्रमोशन के दौरान इलियान ने एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की। इलियाना डीक्रूज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मैं बॉयफ्रेंड एड यूनिबोन के साथ ब्रेकअप के बाद सबसे पहले थेरापिस्ट के पास गई थी। उन्होंने बताया कि थेरापिस्ट ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करने के लिए कहा। इसके अलावा थेरापिस्ट ने कहा, इलियाना आप बहुत अच्छा कर रही हो। इलियाना से जब पूछा गया कि क्या अब वे आगे किसी के साथ रिलेशनशिप के बारे में तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूं। इलियाना डीक्रूज ने एड्रयू को उनके आगे के जीवन के बारे में बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं ब्रेकअप के बाद कभी भी एड्रयू से नहीं मिली। इलियाना और एड्रयू एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे। हालांकि इलियाना ने कभी भी पब्लिक में अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोला, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनके लव पोस्ट इस बात के गवाह रहे हैं कि दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था। फिल्म का ट्रेलर लोगों ने किया पसंद। लोगों को पागलपंती का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, शानदार उस्ताद। दूसरे यूजर ने लिखा, मतलब फुल पागलपंती चालू। पागलपंती का ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, कमाल का ट्रेलर है। जॉन अब्राहम, आप एकदम यंग दिख रहे हो और ड्रेसिंग भी एकदम कमाल का है। सुपर हिट मूवी होने वाली है। ऑल द बेस्ट सर, मजा आ गया सर, सुपर सर जैसे कमेंट ट्रेलर को मिल रहे हैं।